हेलो फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ढेर सारा सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बजे सुबह के 10। आज थोड़ा सा लेट हो गया नींद से उठने में, क्योंकि कल थोड़ा सा टायर्ड था। तो अभी फटक से हम लोग को ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद निकलना है साइट सीन के लिए। ऑलरेडी गाड़ी वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो और क्या, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बहुत जगह हम लोग जाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को। अगर मन में कुछ कमेंट है तो जस्ट राइट डाउन एनीथिंग, वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, राइट डाउन इन अवर कॉमेंट बॉक्स। तो अभी चल रहे जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगा यूट्यूब में। यूट्यूब में ऐसे भी वीडियो देखते हो? तो ये एक्चुअली यूट्यूब में ही अपलोड होगा। बस हम लोग यहाँ पर डारिंग बारी एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। जितना सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सब जाएगा यूट्यूब में। ये वीडियो भी चला जाएगा, तुम भी आ जाओगे। तुम्हें कुछ बोलना है इस वीडियो में? इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू आर वॉचिंग हैप्पीनेस बिगिंस विद तोमल एंड पायल। अभी हम लोग जा रहे हैं इमू सेंचुरी, उसके बाद जाएंगे लाबर पॉइंट्स, और उसके बाद और एक जगह पर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा दूर है इधर से, वो है मैग्नेट वैली, तो ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स। चलो चलते हैं, उसके बाद देखते हैं उधर का व्यू और सब कुछ हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में कैप्चर करने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं इमू सेंचुरी पे। पीछे है बहुत सारे इमू बर्ड्स और ये हम लोग को भी देख रहा है। से हेलो। ये लोग जो साउंड कर रहे हैं सुनने में भी बहुत मतलब डिफरेंट लग रहा है। इस लोगों का साउंड भी बहुत डिफरेंट है। ये सब तुम लोगों को कुछ बोल रहा है? क्या बोल रहा है पता है? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अच्छे से लाइक करो। हम लोग अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अंदर जाने के बाद ये लोग का बिहेवियर कैसा रहेगा। एकदम पास से दिखाएंगे। ये सब मैं खेल रहा हूँ इन लोगों के साथ। Let's go to lovers point. ये जगह जो है, जगह रियली बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर है। तो अभी पता लग रहा है कि सब लोग दारिंगबाड़ी के बारे में क्यों बोलते हैं, लेकिन अभी भी टूरिस्ट उतना आना स्टार्ट नहीं किया है दारिंगबाड़ी में। तो लग रहा है कि इन फ्यूचर टूरिस्ट लोगों का ये बहुत अच्छा सा एक स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि रियली दारिंगबाड़ी इज ऑसम। नाउ वी आर इन मांदासाडू, इट्स आल्सो नोन एज मैग्नेट वैली। यस, और हियर इज अ
स्मॉल वॉच टावर। तो अभी हम लोग को इस वॉच टावर में चढ़ना है और ऊपर से व्यू लेना है, अगर पॉसिबल हुआ तो ड्रोन शॉट भी लेंगे। इन वन वर्ड, इट्स मार्वेलस। यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो है ये वैली। ये वैली देखने के लिए ही यहाँ पर लोग आते हैं, और यहाँ पे जो वॉच टावर बना हुआ है इसके ऊपर से ये वैली देखने में मस्त लग रहा है। देखना चाहोगे? तो 1, 2 and 3। ये गांव का नाम क्या है? मंडासरु कुट्टी। ये कॉटेज बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर का वीडियो लेंगे और चाय भी पियेंगे। यहाँ पे आके रह सकते हैं? हाँ, ये बुकिंग भी होता है। यहाँ पर दो रूम है, पर रूम का 3000। ये ऑनलाइन में भी बुक होता है और ऑफलाइन भी होता है, तो इसका डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो तुम लोग को उधर से पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर से दिखाते हैं ये कॉटेज, मतलब ये रूम कैसे दिखता है। सही में रूम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, 3000 पर नाइट, बट पैसा वसूल हो जाएगा। मेरे ख्याल से लग रहा है इट्स वैल्यू ऑफ मनी। ये एरिया में क्या क्या मिलता है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, अगर आप लोगों को जानना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और देख लीजिए। ये जो रास्ता दिख रहा है, अभी अभी हम लोग इस रास्ते से आए हैं और भी ऊपर जाएंगे। अभी जो ये जगह पे हम लोग खड़े हैं ये है पंगाली वैली। अभी फिर ऊपर जाएंगे, वो जगह का नाम है डैशिंग बड़ी। हम लोग पहुंच ही गए हैं और डैशिंग बड़ी वाटरफॉल्स में। आवाज़ तो सुनाई दे ही रहा है और तुम लोग भी देखना चाहोगे? बहुत ही सुंदर है। चर्बी जम गए, सांसें फूल रहा है पूरा, घर जाके इसको हटाना पड़ेगा। अभी हम लोग पहुंचे हैं दारिंगबाड़ी के पाइन फॉरेस्ट में, और ये है पाइन फॉरेस्ट। चारों तरफ पूरा पाइन पेड़ों से पूरा भरा हुआ है। सनसेट बस होने ही वाला है, जल्दी से इधर से हम लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि और एक जगह हम लोग को कवर करना है, वो है कॉफ़ी गार्डन। उसके बाद हम लोग खुद डायरेक्ट जाएंगे होटल। तो जितना जल्दी हो सके इधर से हम लोग थोड़ा सा फोटो सेशन करके निकल जाएंगे डायरेक्ट कॉफ़ी गार्डन के लिए, राइट? लास्ट डे था दारिंगबाड़ी का। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है। टेम्परेचर है मैक्सिमम 26 और मिनिमम 19। सारा दिन हम लोग बहुत अच्छे तरह से घूमे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल था, वेदर बहुत कंफर्टेबल था। तो बस और एक बात है कि यहाँ पे अगर आना हो तो हम दोनों रिकमेंड करते हैं
कि बारिश के मौसम में आओ। ये लोग ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि विंटर के मौसम में आने के लिए, लेकिन हम दोनों रिकमेंड करते हैं ऐसी जगह जाना है स्पेशली दारिंगबाड़ी, तो प्लीज़ रेनी सीजन में आओ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कितना अच्छा वो तो अभी तक पता चल ही गया है ये वीडियो को देख के। तो चलो मिलते हैं कल। कल हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, 9 से 10 तक निकल जाएंगे। कल बहुत सारा प्लानिंग किए है, अभी पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भुवनेश्वर जाने वाले, लेकिन रास्ते में गोपालपुर और चिल्का आएगा। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं आइदर चिल्का जाएंगे और गोपालपुर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कॉफ़ी गार्डन जाएंगे। हाँ वो तो मैं भूल ही गई। हाँ आज कॉफ़ी गार्डन कवर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत रात हो गया था, दरवाजे के सामने से वापस आना पड़ा। तो ठीक है, हम लोग का टारगेट है कॉफ़ी गार्डन। ड्राइवर को भी बोल दिया है कि प्लीज़ जाके कुछ बोलो, पहले उसको खुलवा दो। कॉफ़ी गार्डन जनरली 10 बजे तक खुलता है। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ भी श्योर नहीं है, जो भी होता है आगे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना सा ही, लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय बाय। जाओगे कोलकाता हम लोगों के साथ?